आज सिचुएशन ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैंने कल लिख के दिया है और उस एप्लीकेशन में कहा है कि आज भी अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है, आज भी पुलिस घरों को रेड कर रही है, आज भी पुलिस ज्यादती कर रही है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ 3 MPO के आर्डर्स निकाल रही है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन कराएगा? यह आपकी जिम्मेदारी है। वो दरखास्त आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 और दरखास्त आर्टिकल 220 के तहत दी है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। और लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, शेड्यूल आने के बावजूद भी जहां हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं वहां हमारे खिलाफ FIRें भी साथ साथ दर्ज हो रही है। लेकिन इस सब के साथ बदकिस्मती की बात यह है कि आज क्या हुआ, हमारा एडिशनल सेक्रेटरी है PTI का उमेर न्याजी साहब, उसका वालिद जब फॉर्म लेकर आता है तो DSP साहब रास्ते से उससे 10 फॉर्म छीन लेते हैं, और उसके बाद जब दोबारा रिटर्निंग अफसर के पास वो पहुंचते हैं, उनको शिकायत दर्ज करते हैं, वो कहते हैं ठीक है नए फॉर्म ले जाएं, लेकिन हम आपको फॉर्म तो जारी कर सकते हैं, मजीद हम आपको कुछ नहीं कह सकते, और जो बाहर होता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ उमेर न्याजी के वालिद के साथ यही नहीं हुआ, बल्कि यही काम शौकत बिसरा के साथ भी हुआ, हाफिज फरहत के साथ भी हुआ, और हसन न्याजी उसने फॉर्म जो जमा कराने थे जेलर ने उसके साइन करने कराने से इनकार कर दिया। यानी वो ये लोग जब फॉर्म लेके शौकत बसरा वगैरह, 4 वाकयात हुए हैं, वो लेके बाहर निकलते हैं, लोग लेके चले जाते हैं भाग के, उनसे वो फॉर्म फाड़ देते हैं। क्या ये जमहूरियत है? क्या इसको हम क्या जमहूरियत का तमाशा समझें? क्या हमारे मुल्क में आईन है? क्या कानून की बालादस्ती है? बल्कि यहां तक रिपोर्ट्स आई कि रिटर्निंग ऑफिसर साहबान ने अपने साथ पुलिस बिठाई हुई है कि ताकि कोई भी फॉर्म जमा कराने आए तो हम उसको गिरफ्तार कर लें। ये अगर तर्ज अमल आपका जारी रहता है तो यही वजह थी कि हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा किसी लिहाज से एतमाद नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन बांदी बन के खड़ी हुई है उन मुख्तदर तबकों और हलकों और एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए और PTI को डिसमेंटल और क्रश करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और अगर इस तरीके से ये सारी चीजें जारी हैं तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और जिम्मेदारी अदालतों की है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, वो लोगों के जो हक है उनका वो हक वो उनको दिया जाए कि वो अपना हक के हुक्मरानी वापस लेना चाहते हैं, जिसको वो चाहेंगे वो वोट देंगे। और आज तक ये अनसर्टेनिटी की कैफियत जो कुछ रखी जा रही है ये जानबूझ के रखी जा रही है, एक पार्टी को क्रश करने, एक पार्टी को डिसमेंटल करने और एक पार्टी के रास्ते में कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनकी राइट्स हैं उनके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल हो रही है, जो कि बड़ी ज्यादती है, गलत है, हम उसकी मुजम्मत करते हैं। और जिस तरह ये आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है हम इंशाल्लाह उसको भी चैलेंज करेंगे, हम अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में भी जाएंगे। और इस बाबत एक बात वाजे कर दूं, हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हमारी जमा हो चुकी है वो जो इमरान खान साहब की तरफ से, दूसरी हमने लेटर के जरिए भी उनको जमा कराई थी, तीसरा एतजाज असन की पटिशन की सूरत में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई, और ये होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया तो खाली कागजी कार्रवाई अगर पूरी करनी है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हम अवाम को ये हक जो है उसका वो अगर छीनने की कोशिश हुई तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हमारे 25 करोड़ अवाम को होगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत, और तमाम इदारे पाबंद हो जाते हैं टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनको फैसिलिटेट करे फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो है आर्टिकल 220। और इसी के ताबे हो जाते हैं तमाम एग्जेक्टिव इदारे, जितना ताकतवर भी कोई हल्का इदारा कोई भी हो, और इसी तरह हुकूमतें भी पाबंद हो जाती हैं वो फैसिलिटेट करें उस इलेक्शन कमीशन को, जो इलेक्शन कमीशन जिसकी आईनी जिम्मेदारी है को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। अब यही वजह थी कि हमने जब लाहौर हाईकोर्ट में गए या पिशावर हाईकोर्ट में भी हम जा चुके हैं, हमने कहा था कि RO जो हैं वो होने चाहिए जुडिशरी से। वजह क्या थी? आज आपने देखा दो इंस्टांसेस पे मैं बात करूंगा। एक तो मुझे ये बता दें कि हमारा एक दफा इंटर पार्टी इलेक्शन एक लिहाज से कलअदम करार दे के 20 दिन का टाइम दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी दोबारा इलेक्शन कराए, हमने दोबारा इलेक्शन करा दिया और सारी किस्म की एहतियात भी की, हर तरह का प्रोसेस किया, मुकम्मल किया, और किसी किस्म का उसके अंदर ना इबहाम है, ना उसके अंदर कोई कबाहत है, ना कोई उसके अंदर एम्बिग्यूटी है। अब हुआ क्या, हमें तो 40 सवाल नामा पकड़ा दिया गया, 40 सवाल कि जी आप इनके जवाब दें। वेयर एज आज एक कारनामा जो अंजाम दिया है उसको, जिसका नाम उन्होंने PTI रखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात, वो PTI जो पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात है वो एक शख्स ने बनाई हुई थी, डॉर्मेंट पार्टी है जिसका कोई वजूद नहीं है, कभी आपने नाम नहीं सुना, मैंने कम से कम नहीं सुना था, मैं मीडिया में पिछले कई सालों से मुस्तकिल तमाम प्रोग्राम में आ रहा हूं, मैंने नहीं सुना उसका कौन वर्कर है, कौन उसका सदर है, कौन है, उसे पार्टी छोड़ के PMLN को ज्वाइन कर लिया, उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस
कोई उससे सबूत लिए बगैर, कोई एक डॉर्मेंट पार्टी को शेड्यूल आने के बाद वो किसके हवाले कर दी गई, एक किंग्स पार्टी के, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के हवाले कर दी गई। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर आपको यह सारा प्रोसेस जो कि आगे लिखा हुआ जी बाकी चीजें बाद में कर लेंगे कि, तो फिर उसके मद्दे मुकाबले अगर इसको कंपैरिजन करें हमारी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये गैर जानबदाराना काम कर रहा है जिसकी ये जिम्मेदारी है? और अगर नहीं कर रहा तो बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि आप सबसे बड़ा एक आईनी इदारा है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करनी, अगर आपने इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करनी है, अगर आपने एक पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम अपने वसाइल बरुए कार लाने हैं, जिसमें आज उनका दोहरा मेयार पिछले कई दो सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन आज का जो रवैया है वो सब आपने देख लिया है। दूसरी बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, मैंने कल एक एप्लीकेशन दी है कि जनाब हमें पार्टी चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन हमारे जो है गौहर साहब, इनकी तरफ से दी है, अपनी तरफ से भी दी है, वो मुलाकात करना चाहते हैं फाउंडर चेयरमैन से जो हमारे लीडर है इमरान खान साहब, और उनके साथ टिकटों के हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं। तो लिहाजा इमरान खान को ये इजाजत दी जाए कि वो हमारे साथ कन्वाइज करें, कंसल्ट करें, डिस्कस करें, वो हमारे लीडर हैं, और साथ वो अपनी लिस्टें अपने पास रखने का भी हक होना चाहिए ताकि वो उस पर अपना माइंड अप्लाई कर सके, जो 27 साल चेयरमैन रहे। तो जनाब वो उसके बारे में अभी तक हमें, मुझे कोई हुक्मनामा नहीं मिला, जहां तक के कल और परसों लास्ट डेट है फॉर द पर्पज ऑफ सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। लिहाजा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने अपनी जानबदारी को शो करने के लिए, उसके अलावा हमें अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला और अभी तक हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी कोई फैसला सामने नहीं आया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इस तरह क्रश करके, उसको साइडलाइन करके, अगर अवाम के मैंडेट पे डाका डालने में आप अगर शामिल उनके शराकत दार बन जाएंगे या सहूलत कार बन जाएंगे तो फिर आप पे तनकीद होगी। जब आप पे हम तनकीद करते हैं तो आपने तो हमें तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस भेज दिया इमरान खान साहब को, वेयर एज जो पिछला पूरा साल ये साल गुजरा तमाम पीडीएम की जमातों ने इल्जाम लगाए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोले और इलेक्शन नहीं होने दिए, जबकि इलेक्शन कराने का आपका फर्ज था और सुप्रीम कोर्ट ये लिखने में मजबूर हुई कि आपने जमहूरियत को डिरेल किया है और आपने इलेक्शन को मुलतवी करके गैर आईनी इकदाम किया है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपको फंड्स नहीं दिए या जिन्होंने आपको नफरी नहीं दी, आपने उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपको एक ही पार्टी है जिसके खिलाफ आप सारी फोर्सेज, सारे आप ताकत इस्तेमाल करते हैं, ये दोहरा मेयार है, ये काबिल अफसोस है, और इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग है और इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाजा करने के हवाले से मुतनाजा करने की बात है। और